most ice don't have. So इसलिए हमें लगे 9 घंटे. राजकुमारी सूरी रत्ना इंडियन प्रिंसेस केम टू कोरिया. कुछ ये आर्किटेक्चर देख रहे हो, मस्त जगह है, शहर है वो सारा दिखाई देता है यहाँ से. ये टूरिज्म के लिए फेमस है. वाओ नजारा देख रहे हो. किम जो है उस टीम में अब कोरोना टेस्ट करते हैं ना जो, तो ये इसको ड्रेस मिली है. ये देखो हम सब जो है ना उस डिपार्टमेंट में आ गए हैं. हाँ जी राम राम. कैसे हो आप सब? तो देखो क्या पहन रखे है. ये शहर है घिमे, जहाँ से किम सुरो का जो किंगडम था वो उन्होंने शुरुआत की थी, स्थापना की थी. तो हमारे शहर अन्यांग से घिमे के लिए 4.5 घंटे लगते हैं, पर सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी थी इसलिए बहुत लोग घूमने जा रहे हैं, इसलिए हमें लगे 9 घंटे. ठीक है जी. ओ एग्जैक्टली डबल. हाँ डबल हो गए. कल देखना था पर नहीं देखा, कल अंकल के यहाँ रुके और आज आए हैं आपको लेके. और आज भी देखो बारिश हो रही है. ठीक है तो देखते हैं क्या शूट करते हैं, क्या कर पाते हैं. क्या क्या सिचुएशन है ये, बट विद रेन है ना अलग मजा का है ना. मजाक नहीं है, मजा है. मजा तो ये जो खिमे सिटी है उसमें बहुत सी चीजें जो है जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं देखने को मिलेंगे, और यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं और बस स्टॉप वगैरह हैं, लाइब्रेरी, इस तरह की चीजें भी जो है किंग सुरो के नाम पे बनाई हुई है आपको देखने को मिलेगी. काफी हिस्टोरिकल जगह है, बहुत पुराना इसका इतिहास है. तो ये है जी राजकुमारी सूरी रत्ना जो की इंडिया से आई थी, अयोध्या से. रुको. देख लो कभी कोई आ जाते, कभी कोई आ जाते डिस्टर्ब करने के लिए. इंडियन प्रिंसेस केम टू कोरिया, शी हैड 10 सन, लिव्ड अप टू 157 इयर्स, ग्रेट वुमन. बिहाइंड देखो जगह है, ड्रैगन है क्या? ड्रैगन है, ऊपर फिश है. ड्रैगन है और फिश है. तो यहाँ जो है सूरी रत्ना और जो यहाँ के किंग थे सुरो, उनके जो है टूम मकबरे बने हुए हैं वो आपको दिखाते हैं. लग रहे हैं कोरोना टेस्ट करवा के है ना. कल तो लाइक 9 आवर्स. आज रेन है. क्या हुआ किम, और क्या दिखाओगे? बंद हो गया. क्यों? पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ रेनी. और पूछो किसी से, कोई भी है तो पूछूंगी. अरे आसपास कोई बंदा बंदे की जात किसी से तो पूछो, पुलिस वालों से पूछ लो. हम समझा. हाँ टॉयलेट्स की जो व्यवस्था है यहाँ पे कोरिया में सारे में आपको हर जगह मिलेगी. पहले तो बाहर ही बनी हुई है, ये बहुत अच्छी. Please be quiet. तुम चुप रहो बस, बोलना नहीं. अब चुप हो. तेरे लिए लिखा हुआ है ये. आपके लिए. 1988, my birthday year. Bring here, okay? Like a shift here, okay? So you need to stay here in this prison. अरे वीर ब्रिंग कॉफी और अलग मजा है. नहीं मजाक नहीं, मजा है. मजा है, नो नीड अम्ब्रेला. तो इसके अंदर जाना मना है, जो किंग सुरो थे उनका मकबरा है. वाओ यार ऐतिहासिक चीज देखते हैं ना तो उस समय में चले जाते हैं. किंग सुरो का मकबरा.
ये आर्किटेक्चर देख रहे हो, यहाँ सभी जो पुराने ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको इस तरह की मिलेगी। बहुत शांति है यहाँ पे, पीसफुल, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ लगी, एक तो मेंटेनेंस जो कर रखी है इन्होंने, बहुत ही सफाई है, रिपेयर वगैरह होती है टाइमली, कलर वगैरह होता है। और दूसरी चीज जो है, कोई भी टिकट विकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फ्री एंट्री है। अरे वाह, पूरी हरियाली है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है आउटसाइड, जिसका ट्रैक है कच्चा बना हुआ है, पक्का नहीं है ये ट्रैक, मिट्टी है। मस्त जगह है। वो देखो ट्रटल बना हुआ है वहां पे, सीवरेज का ढक है, उसके भी मैप बना हुआ है। बारिश बहुत हो रही है यार, फिर भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इतनी दूर आए हैं, बार बार नहीं आया जाता। ये जो है 1 किलोमीटर दूर है, ये राजकुमारी सूरी रत्ना जो है, क्वीन थी यहाँ की, उनका जो है मकबरा है। इतना दूर क्यों बना दिया, शायद जगह नहीं मिली होगी उनको, 1 किलोमीटर की दूरी पे है जी। यहाँ ये लिखा हुआ है प्लीज बी क्वाइट, कि अब तो शांति से रहने दो। ये एरिया बना हुआ है, वो वहाँ ऊपर मकबरा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है जी। ये है जी राजकुमारी सूरी रत्ना का मकबरा। ऐसा माना जाता है कि जब राजकुमारी सूरी रत्ना इंडिया से यहाँ आई थी अयोध्या से, तो उनकी उम्र 16 साल थी और 157 साल तक वो जिंदा रही। ये घिमे जो शहर है वो सारा दिखाई देता है यहाँ से। बारिश बहुत हो रही है, ये मेरे शूज देख रहे हो, अंदर पानी घुस गया, पूरा वेट हो रहे हैं ये सारी। वैसे तो ज्यादा देखने लायक नहीं मकबरे हैं उनके, फिर भी ये जो शहर है ना, ये टूरिज्म के लिए फेमस है। और यहाँ जो भी बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ भी आपको मिलेगा, किंग सुरो के नाम पे है, तो अच्छा लगता है। सब जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, साइट्स है यहाँ पे, और यहाँ हर जगह जो है QR कोड और टूरिज्म के लिए जो हेल्पफुल चीजें मिलेंगी आपको, जिससे आप स्कैन करके और जान सकते हो कि क्या क्या है देखने लायक। उम्मीद करते हैं पसंद आ रहा होगा आपको, जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पसंद आएगा। वाह, नज़ारा देख रहे हो पहाड़ियों में।